हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रीतिस किचन। आज हम बनाएंगे मुठिया टिक्की चाट। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दलिया यानी ब्रोकन व्हीट लिया है। आप यहाँ पे चाहो तो गेहूं भी ले सकते हो। तो दलिया मैंने हाफ कप लिया है, उसके बाद इसको अच्छे से रोस्ट करके ठंडा होने के लिए छोड़ा था। उसके बाद मैं इसको कर लूंगी ग्राइंड, और जो ये पाउडर है इसको एक बाउल में निकालूंगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून बेसन, हाफ कप लौकी, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, टर्मरिक पाउडर हाफ टी स्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट हाफ टी स्पून और शुगर 1 टीस्पून, और थोड़ा सा ऑयल मैंने ऐड किया है। देन मैं इसका डो लगा लूंगी और उसके बाद इसको रेस्ट होने के लिए छोड़ दूंगी 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद जो है मैं इसकी अच्छे से टिक्कीज बना लूंगी। और जैसे ही ये टिक्की बन जाए इसको करना है स्टीम। तो स्टीम जो है मैंने 20 मिनट तक यहाँ पे किया है, और अब ये स्टीम हो चुका है। देन इसको ठंडा होने देंगे और फिर से एक पैन में ऑयल और सिसामे सीड ऐड करके मैंने टिक्कीज को शैलो फ्राई किया है अलट पलट के दोनों साइड से। देन उसको एक बाउल में निकाल के उसमें मैंने दही ऐड की है, ग्रीन चटनी, टैमरिन चटनी, उसके बाद प्याज और टमाटर। देन मैंने एंड में इसमें ऐड किया है सेव। और ये जो टिक्की चाट है बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, काफी मजेदार से बनी थी, तो आप जरूर ट्राई करें। और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।